ओम शांति। मन बुद्धि को एकाग्र करके अपने आप को देखें। मैं एक दिव्य ज्योति आत्मा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा अनादि सो आदि स्वरूप पवित्र है। मैं अपने निजी घर परमधाम से 84 जन्मों का पाठ बजाने इस धरा पर अवतरित हुआ हूं। अलग अलग नाम रूप से शरीर धारण कर इस सृष्टि रूपी ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजा रहा हूं। मुझ आत्मा के आदि के 21 जन्म सदा सुखदाई थे। मेरे संस्कार प्रेम सुख आनंद और पवित्रता से संपन्न थे। फिर मध्यकाल में मेरे आदि संस्कारों पर माया की परछाई पड़ने से मैं अपनी ओरिजिनल चमक खोने लगा। विकारों के वशीभूत होकर मैंने विकारी हिसाब किताब बनाए। मेरे संस्कार मलिन हो गए। कलयुग के अंत तक आते आते मेरे संस्कार पूरी तरह मलिन हो गए थे। अब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता शिव आए हैं मेरे पुराने संस्कारों को दैवी संस्कारों में परिवर्तन करने। मुझे पवित्रता प्रेम सुख और शांति जैसे दिव्य गुणों का स्वरूप बनाने। अनुभव करेंगे स्वयं सर्वशक्तिवान बाप दादा मेरे सामने हैं। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से
मुक्त भव। बाबा के हस्तों से निकलती सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं आत्मा स्वच्छ पवित्र बनते जा रहा हूं। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदत व कोई भी पुराना वैध संकल्प नहीं। पुराने विकारी संस्कार पूरी तरह समाप्त होकर मुझ आत्मा में शांति सुख पवित्रता प्रेम और आनंद जैसे दैवी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। संकल्प वाणी और हर कर्म सुखदायी हो गए हैं। मैं बाप समान बन गया हूं। अब जो बाप के संकल्प है वही मेरे संकल्प है। जो बाप के बोल वही मेरे बोल। जो बाप के गुण वही मेरे गुण। जो बाप के संस्कार वही मेरे संस्कार। मैं बाप समान आत्मा हूं। संकल्प बोल कर्म बाप समान। जैसे बाबा सदा विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहम दिल वरदाता है, वैसे मेरे संस्कार भी नेचुरल रूप से बाप समान बन गए हैं। मैं भी बाप समान विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहम दिल मास्टर वरदाता हूं।
शांति।